कंबल वितरण के साथ मेधावियों में बांटी गई साइकिल। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी पूरा ब्लॉक के मरना गांव में समाज सेवी शिवेंद्र सिंह द्वारा वृहद कंबल वितरण का आयोजन हुआ। साथ ही क्षेत्र के 100 से अधिक मेधावियों को साइकिल बांटी गई। रामनगरी अयोध्या के मेगा कंबल वितरण व साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सपा बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन न लगवाने के बयान पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि देश कोरोना से मुक्त हो और वैक्सीन के माध्यम से देश बीमारी से मुक्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर सपा बसपा व कांग्रेस की बात करने से क्या फायदा। 70 साल से ये लोग देश और प्रदेश को लूट रहे हैं। जब से पार्टी बनी है तब से देश को लूट रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में 25 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए सत्येंद्र देव सिंह ने कहा कि गाजियाबाद की घटना दुखद है, सरकार पीड़ितों के साथ है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार में कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, योगी सरकार में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। दरअसल आज समाज सेवी शिवेंद्र सिंह द्वारा संचालित बालाजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित पूरा ब्लॉक के मरना गांव में मेगा कंबल वितरण व साइकिल वितरण कार्यक्रम के स्वतंत्र देव सिंह ने 15,000 गरीब असहाय को कंबल वितरण किया व 100 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस दौरान मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दशा, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी मौजूद रहे। अखंड हिंदी न्यूज के लिए अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट। कमल वितरण कार्यक्रम में आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? शिवेंद्र जी और दीपेंद्र जी के द्वारा आयोजित जो कमल वितरण समारोह उस कार्यक्रम में भाग लेना है। आदरणीय मोदी जी का सपना रहता है कि सरकार तो हर प्रकार के काम करती रहती है, सरकार के द्वारा होता है, लेकिन सामाजिक संगठन समाज के भी लोग बड़े बड़े परिवार जैसे गैस की सब्सिडी लोगों ने छोड़ा, इसी तरह समाज में भी लोगों को जन जागरण करना चाहिए। समाज के लोग संपन्न जो लोग हैं उनको गरीबों को कंबल वितरण है, भोजन पैकेट है, किट है, जब भी संकट खड़ा हो उस समय लोगों को आगे आकर ये करना चाहिए। आज बहुत अच्छा भव्य उन्होंने कार्यक्रम किया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी का एक बयान आया कोरोना वैक्सीन को लेकर, उसके बारे में क्या है, क्या बयान लोग देते हैं क्या नहीं देते वो विषय अलग है, लेकिन आदरणीय मोदी जी योगी जी का सपना है कि कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार चुनौती को अवसर में बदला, जहां पर एक भी कहा जाए किट नहीं था, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, उस स्थिति परिस्थिति में झेलना और किस प्रकार 24 करोड़ प्रदेश की आबादी को बचाना कोई मामूली बात नहीं है। और जिस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य किया है, भोजन का किट दिया, पैकेट दिया, प्रवासी भारतीयों को देखा, प्रवासी छात्रों को घर तक पहुंचाने का काम किया, बहुत बड़े पैमाने का काम किया। हम सबका एक ही लक्ष्य रहता है कि संगठन सरकार मिलकर गरीब की सेवा करे। वैक्सीन आ रहा है तो उसका भी उपयोग गरीब तक पहुंचे, लोग करें, जन जागरण हो, इससे लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर हम उसको गुमराह जनता को न करें। सपा बसपा कांग्रेस का काम है गुमराह करना, 70 साल से इस राज्य को लूटे हैं सब, जब जब आते हैं तब तक लूटना है। अध्यक्ष जी, मुरादनगर में एक घटना हो गई है और अयोध्या में अभी विकास होना है, तो क्या उस पर कहेंगे? क्या देखिए, मुरादनगर में जो घटना हुई है, जो लोग भी लापरवाही है उसमें आदरणीय योगी जी का स्टेटमेंट देखा, वो सभी जेल जा रहे हैं। इस प्रकार के जो भी हरकत, देखिए उत्तर प्रदेश के शासन में, आदरणीय योगी जी के शासन में जो भी दोषी है उसको न मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बताते न संगठन का, वो दोषी को सजाएं मिलनी है, क्योंकि ये निष्पक्ष जांचें होती हैं और हम सभी का मनसा है कि गरीब को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश, यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।